हरियर हरियर लुगरा पहिरे, इहां के फसल है तोर चिन्हारी, आनी बानी के गहना पहिरे, जय हो मोर छत्तीसगढ़ महतारी। जय जोहार, आप मन देखो तो सोशल मीडिया संवाद के विशेष कार्यक्रम चीला फरासंग पहुना, और आप मन के साथ में हूँ प्रतिभा सिन्हा। संगवारी हो, आज हमार पहुना है मूर्तिकार पीलूराम साहू। पीलूराम जी, जय जोहार, बहुत बहुत स्वागत है आप मन के हमार कार्यक्रम चीला फरासंग पहुना में। संगवारी हो, पीलूराम जी हमर छत्तीसगढ़ के ऐसे मूर्तिकार है जो प्रतिमा में प्राण फूंक देते। पीलूराम जी मूर्ति बनाए बर देश भर में मशहूर है। भवानी मूर्ति कला केंद्र नाम से एक कला केंद्र भी चलाते। यहाँ छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्य के मन भी मूर्ति कला सीखे बर आते। तो आओ संगवारियों, हमर पहुना से ये जानतन कि वो इतना सजीव मूर्ति कैसे बनाते। पीलूराम जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप मूर्ति बनाए की शुरुआत कैसे करे हो, काकर से सीखे हो मूर्ति बनाना? दरअसल का है, परिस्थिति के नाम से मैं 5 रुपये कारण स्कूल छोड़े बार पड़ गए। स्कूल छोड़े के बाद में मोर मन में इसे लगी कि मतलब मोला कुछ करना है, कुछ करना है करके सोच करके मैं सीधा माना कैम्प चले गया हूँ। मैं माना कैम्प में श्री निर्मल घोष के पास 6 साल तक के काम सीखे हूँ मैं। ओकर बाद वहाँ से फिर मैं मोला अब कुछ करना है ये सोच करके फिर मैं कलकत्ता चले गया हूँ। तो कलकत्ता में फिर 1 साल तक के वहाँ काम सीखे हूँ। उसके बाद में फिर वहाँ से फिर मैं सोचा कि नहीं मोला और कुछ काम करना है, तो फिर वहाँ से मैं राजस्थान जयपुर चले गया हूँ। मैं वहाँ 6 महीना तक रहा हूँ और 6 महीना तक काम सीखे के बाद में फिर वापस आ करके अपन गांव में निमोरा में भवानी भवन मूर्ति कला केंद्र सीखा खोले हूँ मैं। और खोल करके यही होटल भी चलावा और मूर्ति दुकान भी चलावा। का बार होटल लेकर सीधे चलावा रहा हूँ कि मोर पास पे पैसा रही भी नहीं करे, तो होटल से मोला होटल से मोला पैसा मिले और मतलब ये काम ला यही में फिर धीरे 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 करके आज मतलब यहाँ तक के पहुँचा पाए हूँ मैं। जी, मतलब ये बहुत लंबा सफर रही से आपके। हाँ जी जी। हाँ, तो अभी ये जानना चाहता हूँ कि आप अभी कौन कौन से मूर्ति बनाओ, काकर मतलब कौन कौन से जगह पर भी मूर्ति बनाओ? जहाँ तक हो सके भारत में सब राज्य में मूर्ति गए हैं। महात्मा गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, और दुर्गा में तो देवी देवता में तो सब प्रकार के मूर्ति बनाए हमें हैं। उड़ीसा है, राजस्थान है, राजस्थान तक के मूर्ति गए हैं ना। अच्छा। राजस्थान के और आगे ब्यावर जो है, ब्यावर लास्ट है, वहाँ तक के मूर्ति गए हैं। और बिहार है, बंगाल है, जबकि बंगाल में कला के गढ़ है, वहाँ भी मूर्ति गए है। ये बात के मोला खुशी होते कि जिन जगह में कला के गढ़ है तौनों जगह मोर मूर्ति गए है, है ना। तो ओकर बाद में थी आपके महाराष्ट्र है, गुजरात है, ये सब जगह मोर यहाँ से मूर्ति गए है। मतलब मैं अपन आप लोग बहुत बड़े सौभाग्य से समझाता हूँ कि कम से कम मोर काम के वेलू तो समझत है आदमी मन। हाँ, ये मतलब पूरा देश भर में आपकी मूर्ति गए। जी जी। अभी तक आप सबसे बड़ी मूर्ति कौन से बना हो, कितना फीट के बना हो मूर्ति? मैं अभी तक के मोर जीवन के सबसे बड़ी मूर्ति बने हुए वो हवा आपके चंपारण टीला में 85 फीट के जो मूर्ति बने हैं। अच्छा। वो हरे मोर जीवन के सबसे बड़े मूर्ति, और वो पूरा छत्तीसगढ़ में भी बड़े मूर्ति हरे। जी, पूरे छत्तीसगढ़ के बड़े मूर्ति, अभी ओकर से बड़े मूर्ति छत्तीसगढ़ में नहीं है। जी। वो 85 फीट हवा है। अच्छा। हाँ, आप ये जो भवानी कला केंद्र ये आप खोले हो, यहाँ प्रशिक्षण भी देते हो। हाँ। तो अभी तक यहाँ कितना छल्ला आप प्रशिक्षित करे हो? यहाँ से अभी तक के 150-160 लड़का सीख करके। अच्छा। निकल गए हैं। जी। और अपन अपन जगह में जब ओमन काम करते ना और जा करके देखते हो तो मुझे ऐसे लगते है कि हाँ ये मोर कारखाना है, मोर दुकान ये है। मतलब एक जीए के नजरिया ही बदल गए। लेकिन मतलब जब देखता हूँ ना तो मुझे ऐसे लगते है कि मोर 100 ठन हाथ है, 150 हाथ है, इस टाइप के महसूस होते। और मैं अपन लाइफ में एक ही ठन चीज मतलब महसूस करे हूँ मैं कि अगर मान जाए जीना है तो कुछ करके जिया जाए। जी। ताकि जिए में मतलब मजा आ जाए कि हम कुछ तो करें, जन्म तो ले हन, बाकी हम जन्म ले हन तो काबर ले हन, तो कुछ तो करन ये सोच करके ना मैं मतलब जितका ज्यादा हो सके लड़का मतलब सिखाए कोशिश करा था। अभी भी मोर जगह 10 जन लड़का हवा है, अब ओकर मन के खाना पीना रहना बसना सारी व्यवस्था मैं स्वयं देता हूँ ना, और ओकर मन से पैसा नहीं ले वहाँ सीखते तेकर से। अच्छा। मैं हाँ ओला कुछ दिन तक के रखता हूँ, रखे के बाद में फिर मैं देखता हूँ कि वो कतका दूर तक काम करत है, ओकर बाद पेमेंट बना देता हूँ, खाना पीना देते रहता हूँ, बाकी पेमेंट भी बना देता हूँ। पेमेंट बनाए के बाद में ओकर बाद में धीरे धीरे करके ओकर 10-20 हजार रुपया पेमेंट होता तहन बाबू ते सीख गेस, अब ते जा सकता तो जा और रहना है तो रहा, ये टाइप के मतलब मैं अभी तक के चलावा था। अभी भी 10 जन लड़का है मोर जगह काम सीखने वाला। तो हाँ। सब छत्तीसगढ़ के है या छत्तीसगढ़ से? छत्तीसगढ़ के भी है, छत्तीसगढ़ के बाहर भी सीख करके गए है। अच्छा। और अधिकतम मतलब छत्तीसगढ़ के ज्यादा है,
काबर की छत्तीसगढ़िया मन में बहुत कम कलाकार रही पहली है ना जी, और एक जब सन 95 में गरीबी की मार व लगन ने कुशल मूर्तिकार बनाया पीलूराम साहू को, और आपके एक ठो आर्टिकल छपरी अवर्ण आर्टिस्ट पीलूराम साहू करके, तो वोकर से ना मतलब लोगन मतलब बहुत एक जागरूकता पैदा हुई। और छत ये आपके मध्य प्रदेश रही वो समय दूरदर्शन आकाशवाणी है एक सफल मूर्तिकार में गिनती करी है ना, ओकर से लोगन मन के कान सब ये कान तक के जानी से, तो एकर से अब बहुत लड़का सीख सीख के निकल गए। ये बात के मोला खुशी होते कि 160 लड़का सीख के निकल गए ना, अब ओमन दूधी छन ला भी सिखाही तो कतका झन होते। तो मोर एक उद्देश्य की बेरोजगार कोई नहीं है, आदमी अगर चाह ले ना, आदमी चाह ले तो दिल्ली ज्यादा दूरिया थोड़ी है, दो कदम में दिल्ली है ना। अब चाहत के ऊपर बात है, वो कैसन टाइप के अपन लाइफ ला जिए कोशिश करत है, वो कैसन जीना चाहिए। जैसे कि मान लो अभी मैं मतलब जहांगीर आर्ट गैलरी बॉम्बे, अच्छा, वहां में अभी आर्ट एग्जीबिशन के लिए आवेदन लगाए हूँ 2017 में, 2026 में और आर्ट एग्जीबिशन लगी। पीलूराम जी कहे जाते कि आप मन जो मूर्ति बनाते वो देखिए कि आखिर धोखा खा जाते, मतलब वो इतना सजीव होते, तो आप मन जब मूर्ति बनाते हो तो ऊपर पीछे का आपके भावना रहते या कैसे का आप महसूस करते हो कि इतना सजीव मूर्ति बनाते हो आप? दरअसल मैं हाँ अपन जीवन में कभी पैसा कमाए के उद्देश्य नहीं रखे मेला जी, पैसा कमाए के सोच करके नहीं रखे हूँ। और मैं जब चालू भी करूँ ना तो मोर मन में ये रही से कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। जैसे कि मान लो जाए मैं नकली भैंसा बना रहे हूँ, अच्छा, जिन में असली कुत्ता मन झूमत रही, 25-30 ठन कुत्ता मन झूमत रही सोलह, और पूरा नोच नोच के पैरा निकाल रही। एक लड़की बनाए रहे हूँ ये जगह मतलब मेन रोड में, तो वो लड़की ला जाएंगे क्या मैडम करके बस वाले और जीप वाले मन रुके, तो मोर एक इतना सजीव हाँ, तो मोर ऐसे है कि मतलब मैं जब काम चालू करता हूँ तो बिल्कुल मतलब वही में लग जाता हूँ है ना, चाहे मैं टाई कोट पहने रहा हूँ हाँ। या लुंगी पहने रहा हूँ, मोर लिए मतलब टाई कोट के कोई वैल्यू नहीं है, काबर कि वो काम के ज्यादा वैल्यू है। काम जो है मैंने है ना, और एकदम दिल से करता हूँ, करे कोशिश करता हूँ मैं, और मैं कोई बहुत बड़े कलाकार न हूँ, वो तो मालिक की कृपा है, मालिक जब बैठते तब हो जाते, और मालिक अगर मान जो बिगाड़ना चाहिए तेल बनाए कोनो नहीं सके, और बना ही तेल कोनो बिगाड़ नहीं सके जी। तो मोर एक ठन का विचार है कि अपन धर्म के साथ साथ अपन काम के साथ साथ पेट के साथ साथ समाज ला गांव ला सब लेकर के चले के विचार है, मोर यही मतलब उद्देश्य है। और मैं हाँ मोला बहुत दिन की जिंदगी नहीं चाहिए, आप लोग यहूल बता देता हूँ, मैं जतका दिन भी जिया हूँ बाकी जीना मोर जीना होना चाहिए है ना, नहीं तो फिर मतलब कुकुर माकर बरोबर जी इस कोई मतलब नहीं है हाँ। तो जिंदगी एक जिंदगी होना चाहिए, ये मेरा मूल सोच है, ये है बिल्कुल हाँ। तो आप जो ये भवानी कला केंद्र जो चलाते हो, तो हमर संगवारी मल्ले ये बताओ कि यदि कोई ले यहाँ आना है, यहाँ प्रशिक्षण लेना है, तो ओकर का प्रक्रिया है? ओकर प्रक्रिया एक ही ठन हवे, अगर मान लो शराब नहीं पियत हो ही तो मैं ओला रखी हूँ, जुआ खेलत नहीं हो ही तो रखी हूँ, और फालतू पचंदर नहीं करत हो तब वो मला रखी हूँ, और अगर मान लो जाए ये सब चीज में लिप्त है तो मैं ओला बिल्कुल नहीं रखा हूँ। मोर यहाँ मतलब न तो अंडा नहीं चले, मुर्गा नहीं चले, मछली नहीं चले, दारू मन में वहाँ बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं चले, मैं बिल्कुल सादा सर्वदा आदमी यहाँ काम सिखाए बर रखता। मैं यहाँ तो जैसे कि मान जाए कॉलेज वगैरह में भी, डिग्री गर्ल्स कॉलेज वगैरह में भी सिखाए बर जात रहे हूँ मैं, तो मोर एक ठन रहते कि जो सीखना है तो सीखना है, और नहीं फिर मत टाइम वेस्ट करो ये माँ। कई एक जन का करते हैं 5 दिन 10 दिन बार आबो ऐसे करते हैं, तो कावर फालतू अपन टाइम वेस्ट करा थे हैं, मत करते हैं, कोई दूसरा चीज में लगाते हैं तो टाइम ला है ना। और पूर्ण रूप से अगर 5 साल अगर रहना चाहता था तो यहाँ रहा, 5 साल तक के मतलब यहाँ रह लागी होला, अपन घर आना जाना कर सकते हो हाँ। मतलब बंदिश नहीं है जी। बसरते बोल 5 साल तक के टाइम दे लागी, और काम के लिए ना तो सुबह नहीं है तो शाम नहीं है, जत कबेर में आवाज मारी है उतका बेर तैनात चाहिए, और समय की पाबंदी, आप 5:15 बोल 5:15 में वहाँ हाजिर होना, मतलब बिल्कुल अनुशासन से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक स्थिति आज मैं ना चल कर के सौंप देता हूँ कि हाँ चल कर, तो नहीं हुआ तो भैया मैं बैठे हो ना, चलना करना ये देख करें, हाँ कोशिश करो आप, ये 1 इंची बढ़ाओ उसको हाँ, 1 इंची बढ़ा, 1 इंची कम कर दे हाँ, साइड से 2 इंची कम कर दे, तो एकर से का होते कि मतलब लड़का बहुत जल्दी सीख जाते, वो हाथ दे जाते। मोर मन में ये कभी बिल्कुल नहीं हुई से कि मैं इला सिखा दिया हूँ तो मोर पेट मर जाही के। अरे मैं आप लोग काला बताऊ, मैं इतना संतोष जिंदगी बिताता हूँ, मतलब कि मैं तो एकर से ज्यादा और संतुष्टि नहीं चाहूँ
मोर लिए कोई चीज के मतलब भगवान के कृपा से कभी नहीं है और वो इकर मन के आशीर्वाद है। आप इतना मेहनत से मूर्ति बनाते हो, मन देखा था ना, इतना सुंदर सुंदर मूर्ति बनाए हो आप, इतना सुघर लगा थे देखे में। तो आप जो इतना मेहनत करके मूर्ति बनाते हो तो कर आप मेहनताना मिलते या फिर वो कर मेहनत के हिसाब से नहीं मिले? अब का है दुनिया तो बहुत बड़े है जी, और कई मतलब अधिकतम मतलब मेहनताना देने वाला तो बहुत रहते, बाकी कुछ कुछ अपवाद जी आ जाते जिन हम मेहनताना ला मतलब दे बर अनकानी करते जी। तो वो थोड़ा बहुत अगर मान जा रहे वोला उसका माइंड लेकर के नहीं चले जाए जी। आज देवा थे तभी मैं यहाँ तक के पहुँचे हूँ। जैसे कि आप बताओ कि यहाँ कला केंद्र भी है, प्रशिक्षण भी देते हो, तो आप मन कहीं बाहर प्रशिक्षण दे बर जाते हो का वर्कशॉप ले बर या ऐसे कुछ? जैसे कि मान लो छत्तीसगढ़ शासन बुलाते हाँ। तो रायपुर बलाइस तो रायपुर चल देता हूँ, बिलासपुर बुलाही बिलासपुर जाता हूँ, मतलब जहाँ बुलाते मोर पास समय रहते तब जाता हूँ मैं यहाँ, नहीं फिर मैं नहीं जाऊँ। काबर के मैं देखे हूँ कि मोर काम धाम हम मतलब थोड़ा से बने जमे हुए हैं और ज़्यादा व्यस्तता रही तो मैं बोल देता हूँ कि मैं नहीं जा सकाऊँ, क्योंकि और मैं जाता हूँ तो मैं पैसा के लिए नहीं जाऊँ, केवल मतलब एक सिखाए के उद्देश्य लेकर के जाता हूँ हाँ, और एक जन पर नहीं जा सकाऊँ, वहाँ 20-30-40 जन है तेकर पर जाऊँ मैं हाँ। ताकि ज्यादा से ज्यादा हाँ, लोग हाँ, मन कर ये चीज पहुंचे हाँ, हाँ। तो आप मन जो हमारे आने वाला पीढ़ी है युवा पीढ़ी हाँ। वो कला ला जाने एकर बर का प्रयास करत हो? मतलब मोर ये दे जो बॉम्बे में भी है तो वही प्रयास है जी। जब अगर मान जाए बाई चांस मालिक के कृपा से अगर मान जाए एकाध आर्ट अगर वहाँ से बिक गए तो समझ जाओ वो पैसा मतलब ये आलतू फालतू में खर्च नहीं हुआ है जी। जब वहाँ के मतलब समाचार वगैरह में जब पता चले तो लोगों ने सियान मन कहा है कह रहे थे डिग्री धरते के का कर था सरे, अरे जो मतलब ये अनपढ़ गंवार पीलू साले बॉम्बे में जा करके मतलब ये कर डरी सब ते का कर था ते डिग्री धर के हाँ। वो मतलब प्रेरणा दाय वो हा ओकर लिए मैं बोल करे हाँ। मैं जानता हूँ कि 10-12 लाख रुपया खर्चा हो ही हाँ। वहाँ ले मतलब डिस्प्ले करे में जी। एक दिन के 40-50 हजार रुपया है अच्छा। एक गैलरी के हाँ। तो मोला कोई तकलीफ नहीं है। आज जैसे मान जाए मोर माँ बाप है जो मोला जो संस्कार दे है वोला मैं पूर्ण रूप से निर्वाह कर चले जाऊँ मैं युवा पीढ़ी लत यही कहूँ कि आप अपन आप ला कमजोर मत समझो और ये कला ला हमेशा मतलब बारीकी से समझो आप बारीकी से समझो और अच्छे से काम करो। ये माँ अतिक सुगुन है कि मतलब इला समझे ऊपर बात है। मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ भाई बिल्कुल है ना हाँ। मतलब जिसे के मान जाए मैं पहली पैदल चलत रहे हूँ, आज कम से कम मोटरसाइकिल तो है ना भाई, तो मुला बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है। आज पैदल से लेकर के मतलब हवा प्लेन तक के चढ़ना हो है तो मोर लिए का चाहिए बताओ आप। तो मैं तो आने वाला पीढ़ी ली ही कहूँ कि ते हाँ एरोप्लेन में नहीं ते हाँ रॉकेट में बैठ हाँ। बाकी ते वो इसने कोशिश कर मेहनत करो मेहनत करो हाँ। और हकीकत मतलब मैं एकदम 100 बात की एक बात बता देता हूँ मैं हाँ कि अगर मान जाए अगर चाह ले अगर कोई नौजवान मेरे मोला मंजिल पाना है के अरे ओकर लिए कोई मुश्किलें नहीं है हाँ बस सतके है ओकर लिए चले की जरूरत है चले की जरूरत है और अगर मान जाए सही सलामत चल गए तो उनका लाइफ बन जाए है ना। तो बहुत अब तो थोड़ा से जागरूक हुआ था ना छत्तीसगढ़ के नौजवान मन है लड़का मन जागरूक हुआ था। बाकी हाँ एक ठन पीड़ा है कि आदमी मन जरूरत से ज्यादा दारू में ज्यादा मतलब लिप्त हो गए हैं। अब वही चीज अगर बच जाए तो लाइफ बहुत अच्छा लाइफ है जी। हाँ मैं तो छत्तीसगढ़ के नौजवान मन यही कहूँ कि अपन लाइफ ला अच्छा से बनाए अच्छा से जुनून और जज्बा के साथ कोई भी काम ला करे और कर करके अपन जिंदगी अच्छा से चलाए। पीलू राम जी एक मूर्ति बनाए में कितना मेहनत लगते? अब मूर्ति बनाए में ऐसे है कि अतका मेहनत की जरूरत है कि वो मेहनत ला देख के ही कई जन भाग जाते है ना। मेहनत तो खूब है हाँ ओकर लिए धीरज की जरूरत है धैर्य की जरूरत है और अगर मान लो जाए धैर्य के साथ अगर मान लो जाए वो काम करत है मिट्टी में मिट्टी मिले लागी है ना। जिन आदमी बार बार अपन सूरत ले इसे पोछत रही हाँ। और मतलब बार बार कंगी इसे करत रही तेन हाँ ये काम ला नहीं सीख सके ओकर लिए मतलब पूरा मिट्टी में मिट्टी मिले लागी। और जैसे कि मान लो कहेगे ना सूरत की पूजा क्या करे सूरत 4 दिन की चांदनी है हमारी कर्म धर्म बरसों पुरानी रागनी है ये सोच करके चलना चाहिए आदमी ला है ना। तो वही है कि जेन लड़का में अगर मान लो जुनून और जज्बा है तो वो सूरत उरत डहा नहीं देखे वहाँ
अब मेहनत करही वहाँ या अतेक मेहनत है बाकी मेहनत करे से कोई आदमी के मतलब शरीर खराब नहीं हुए, फालतू बैठे रहेस खराब होते है ना। आज जैसे कि मान लो जब मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ और रात के 12 बजे सुतता हूँ, मैं डेली के रूटीन है मोर है ना, तो मैं अतका समय पूरा मतलब अपन अभी भी मैं करता हूँ वही और मतलब एकर बाद मतलब दौरा भी करना रहते, बाहर बाहर में भी काम चला दौरा भी करना है, तो मोर शरीर तो मोर तबियत तो खराब होबे नहीं करे। अभी मोर एक ठन बीमारी नहीं है तो मोर मेहनत तो करत हूँ तेकर से बीमारी नहीं है। और बैठे रहते हैं कुर्सी में तब वो तो बस वही कि कई एक ठन बीमारी हावी हो जाती है ना। आज भी मोला माटी साने में शर्म नहीं लागे, मोला झाड़ू मारे में शर्म नहीं लागे। शर्म किस बात का जी? का बात के शर्म? अरे ये तो हमार काम है और काम कोनो छोटे बड़े नहीं हो सके जी। और कलाकार भी छोटे बड़े नहीं हो सके जी। बसरते कलाकार मन के परिस्थिति आज कई जगह बहुत गंभीर है जी। बहुत दयनीय स्थिति है और दयनीय स्थिति है तेकर कारण का है कुछ तो मतलब शासन एकर ऊपर कोई ध्यान नहीं दीस। बिल्कुल फाइल में भर हवा ये है कि मतलब हम लोग मूर्तिकार के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हम कलाकार के लिए ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं करके, बाकी रियल में ना मतलब कलाकार मतलब कुछ नहीं मिल पावाते। आज देखो आप मोला ये जगह 30 साल हो गए, मोला एक जगह 30 साल हो गए, मेन रोड में एक ठो 80x20 के मोर भवानी भवन मूर्तिकला केंद्र रही से ओला मो बिना सूचना दे ओला तोड़ दीस। अच्छा। बिना सूचना दे तोड़ दीस। तो आज आप कलाकार ला खत्म करे कोशिश करे हो कि उठाए कोशिश करे हो, मतलब आज कुछ तो मतलब सरकार के भी हाथ है और कुछ कलाकार मन के भी हाथ है। कलाकार मन भी काम अच्छा से मिलत है वो पैसा ला आप संजो करके रखो और संजो करके रख के फिर वो पैसा ला अपन मतलब भविष्य के लिए सोच करके रखो। और अगर मान जा आप अगर नहीं सोच सकता हो तो वही तो आपके पीड़ा के कारण है ना। तो मतलब ये मत तो मैं यही कहूँ सरकार ला कि हकीकत जो ओरिजिनल कलाकार है वो कलाकार के सहयोग किया जाए। कई एक ऐसे कलाकार है जो बेचारा दवाई के लिए मर जावा था, दवाई के बिना मर जावा थे। कई एक जन चलो ठीक है मोर तो मतलब खेती बाड़ी तको हवे है ना, खेती बाड़ी है तो मोर एमा नहीं चले तो मैं खेती बाड़ी कर ली हम है। बसरते कई एक जन तो ऐसे गरीब कलाकार है जेकर पास में खाए बर दाना नहीं है, बेचारा के लोग लड़का बड़े बड़े हो गए है, बाकी उकर शादी करे बर पैसा नहीं है। अब ये परिस्थिति में क्या किया जाए? कलाकार हम बहुत संकोची स्वभाव के होते और बहुत स्वाभिमानी होते मन है, मतलब हर कलाकार संकोची और स्वाभिमानी होते। जो बदमाश होते वो अपवाद है ना, अपवाद है वो है। नहीं तो फिर कलाकार तो मतलब वो तो मिट्टी है ना, वो है तो बोल जिसने मोड़ में तैसने मोड़ ही। और कलाकार ला प्रशंसा कर करके ओकर प्रयोग करते ओकर वो बेचारा मतलब गुदा कल खा लेते छील कल फेंक देते। आज ऐसे कलाकार बहुत है तो पीड़ा होते कई एक बार एक से वही चीज ला देखता हूँ ना तो डर लागते मोला और डर लागते तेकर से ना नहीं मतलब थोड़ा से सोच समझ के चला जाए जी। खेती बाड़ी भी मतलब ध्यान दिया जाए, खेती बाड़ी हम लोग बेचना नहीं है ये सोच करके थोड़ा से चले लागते। तो मैं सब बात की एक बात यही कहूँ मैं है कलाकार मन के पीछे सरकार ला भी जरूरत है मतलब सहयोग करे के और कलाकार मन ला भी सोचना चाहिए कि मतलब आज अगर मान लो आप 5,000 कमाए हो ओला 4,000 ला खर्चा करे तो 1,000 ला बचा कर रखो। मैं हाँ अभी मूर्तिकार चित्रकार संघ के प्रदेश राज्य स्तर प्रदेश अध्यक्ष बना दे रही इस मोला, मैं हाथ पांव जोड़ के वापस दे दूं मैं कि भाई मोला मत बनाओ, काबर कि मैं पीछे मतलब मैं वो तक कन समय नहीं दे पाऊँ। तो आज जैसे कि मान लो जाए एक मैं 2,000 रुपया जमा करे बोल रहे हैं मैं ताकि हमारे पास 2-3 करोड़ रुपया हो जाए तो वो 2-3 करोड़ रुपया कलाकार मन ही वाला उठाही है ना, जेकर से कलाकार मन के परिस्थिति मतलब ठीक हो जाए। तो ये मैं का होते कुछ कुछ बात ऐसे कि कोई कोई बात आ जाते जेकर से आदमी मन ध्यान नहीं देला और ध्यान नहीं देते परेशानी कारण हो जाते, ये सब चीज है। जैसे कि आप बताओ कि कलाकार मन की स्थिति बहुत दयनीय है जी, तो एक बार आप समाज से का चाहते हो सरकार से का चाहते हो कि वो कलाकार मन पर का करे? सबसे पहली बात तो ये है कि आज जिसे के सरकार जो है जी सरकार जो है पूरा काम ला उठा करके इवेंट वाला मला दे देवा थे है ना, मूलतः कलाकार ला नहीं मिल पावाते है ना, मूलतः कलाकार ला नहीं मिल पावाते। आज जैसे मान जब 5 लाख में थे वो ठेकेदार ला देहस तो वही 5 लाख रुपया कलाकार ला देना और कलाकार ला दे और जो तोर एग्रीमेंट करवाना है तेल ला करवा
ऐसे नहीं कि कलाकार पैसा धर के भाग गए और काम हका ही हो नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो एक जो फॉर्मेलिटी आप ला निभाना है आप निभाओ, बाकी वो काम ला कलाकार ला दो आप। कलाकार ला जैसे मान लो दिया हो तो आज ठेकेदार है फोकट में ठेकेदारी नहीं करे, बहुत दो पैसा चाहिए। अब कलाकार ला प्रयोग करवा लेते हैं बाद में मतलब ठेकेदार मन छिलके बरोबर फेंक देते, कई एक जन कलाकार ला पैसा तक नहीं मिले, कई एक जन कलाकार ला पैसा नहीं मिले। आज जैसे मान लो मैं काम कर रहे हूँ यहाँ मतलब आपके अरे क्या बोलते हैं ऊर्जा पार्क में फुंडर में आज भी 1,60,000 रुपया वहाँ हवा है और 3 साल हो गए। ये अधिकारी कर जाता हूँ तो कहते कि मतलब फलाना कर जाओ 5-7 ठन बिल दे रहे हूँ। अब बताओ आप कि एक कलाकार है पूरा अपन पैसा लगा करके वहाँ मतलब काम करे है और काम करे के बाद में वो अधिकारी बनेती होती गोल मटोल करत है, फंड नहीं है कहा तो फंड नहीं है तो फिर मतलब काम काबर करवाए आप। इसने कई कलाकार मर गए आप लोग बताता हूँ। ये आपके नया रायपुर डेवलप हुई से तो NRDA के अंडर में मतलब मैं एक ठोन काम कर रहे हूँ मैं, आज 4 साल हो गए 2.5 लाख पैसा अभी तक के नहीं मिल पाए है, है ना। तो आज एक मैं एक मोटा मोटा बात बताता हूँ मैं कि आज सरकार कतका लचीला है आप सोचो, आप सरकार ओकर प्रति कोई ध्यान नहीं देवाते। तो मतलब मोर एक ठन कहना है कि सरकार ला तो पूर्ण रूप से कलाकार मन ला इन्वॉल्व मतलब करके फिर ओकर बाद में फिर ये काम ला करना चाहिए जेकर से कलाकार मन के परिस्थिति सुधर जाए, है ना। एक अब ये तो जैसे मान लो नाचा गम्मत वाला कलाकार है जी। है ना गायक कलाकार है आज वो बेचारा मन के घर में जा करके देखियो मैडम कि आज बेचारा करे एक ठन बैठे पर कुर्सी है नहीं है जी। नाम तो बहुत बड़े हो गए जतका बेर मतलब कोई कार्यक्रम हुई ततका बेर फलाना बुलाओ ढिकाना बुलाओ इसे कही और ओकर बाद में वो बेचारा पेमेंट देख बेरा ओकर पास फंड नहीं है। तो एक ठन बात बताओ आप, आज एक अधिकारी के पेमेंट ला अगर 2 साल ले अगर 1-6 महीना रोक दिया जाए तो वही अधिकारी है चढ़ाई कर दी ही। बिल्कुल, हाँ। है ना भूख हड़ताल कर दी। बाकी आज कलाकार एको जन कलाकार है भूख हड़ताल करत का आप देखो आप नहीं। छत्तीसगढ़ में बहुत कलाकार है और गांव-गांव में कलाकार है, गांव-गांव में कलाकार है भाई खोजे पर जाऊ था। बाकी वो कलाकार ला सही ढंग से मेहनताना नहीं मिल पावते, सही ढंग से ओला मतलब प्रोत्साहन नहीं मिल पावते कर स्थिति वो दबके रह गए है। नहीं फिर हमला दूसरा राज्य से कलाकार बुलाए का जरूरत रही से, हमारे छत्तीसगढ़ में है कलाकार। आज जैसे मान लिया कुमार सानू जैसे का है हमारे छत्तीसगढ़ में कलाकार नहीं है, मगर वो खोजे के जरूरत है और वोला समाज नहीं उठा पावत ना, ये मैं दोषी समाज है। आज जिस मामले में गांव में बैठे हूँ चाहे मैं तेली हूँ कुर्मी हूँ जो भी हूँ, बाकी महू तो कोई समाज के हनों का जी। है ना तो वो समाज के सामने लाना चाहिए नहीं कि नहीं ये लड़का में ये टैलेंट है करके बाकी वो चीज और दबा दे जावा थे। समाज के भी वो जिम्मेदारी बनते पूर्ण रूप से जिम्मेदारी बनते और समाज के बिना तो हमारे जीना तो बेकार है ना। बिल्कुल हम सामाजिक प्राणी है, हमारा समाज में रहना है, बाकी समाज के भी का दायित्व है ये देखो आप। तो ये चीज है मतलब वही मोर के मतलब वही है कि पूर्ण रूप से समाज ला भी वो अपन दायित्व ला निभाना चाहिए और सरकार ला भी कलाकार मन ला अगर मान जाए अच्छे से अगर मान जाए काम धाम मिला जाए दिया जाए तो कलाकार मन के परिस्थिति आज भी सुधर जाए। मतलब हम लोग बाहर से कलाकार बुलाए जरूरत नहीं है, हमारे कला ये है सब चीज यहाँ है। आपन के बहुत बहुत धन्यवाद। आपन के भी धन्यवाद, बहुत अच्छा लगे आपसे चर्चा करके। तो संगवारियों जैसे कि अपन देखे हो कि कितना मतलब एक मेहनत और कोशिश से इंसान कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ये आप मन पर एक प्रेरणा है, आप मन भी मेहनत करके कोशिश करके कोई भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हो। जय जोहार।